तो देखिए आज जैसे ही धर्मराज ने कही के चक्का भूखा वेदन करने के लिए और गए बेटा अभिमन्यु से मैंने मना की, बेटा अभिमन्यु से मैंने बहुत मना की लेकिन बेटा माना नहीं। और क्या कहा था अभिमन्यु से धर्मराज ने, जो कही धर्मराज ने जब अभिमन्यु ने कही कि ताऊ हम लड़ने के लिए चलेंगे तो धर्मराज ने कही कि बेटा तेरी 15 साल की उम्र है अभी लड़ने लायक नहीं है, तू क्या वेदन करना जानता, तुझे वेदन करना नहीं आएगा। बेटा वेदन करना तो अर्जुन ही जानता है। तो मैंने कहा कही बेटा अभिमन्यु से, लेकिन वो इतनी इतनी विनती करी लेकिन वो नहीं माना। बेटा धर्मराज ने क्या कही थी अभिमन्यु से, अरे तेरी घोड़ा अर्जुन वीर को, और मैंने कहा कही तो पे करी लेकिन अभिमन्यु ने एक बात नहीं करी। लड़ाई लड़ने के लिए गया और अपने जीजा जयद्रथ ने बेटा अभिमन्यु का साथ में गेट पे बंद कर दिया। आज अर्जुन जैसे ही धर्मराज की बात सुनकर और अर्जुन सोच में पड़ गया, अर्जुन सोच में पड़ गए जैसे रामचंद्र जी सोच में पड़ गए थे। और रामचंद्र जी सोच में कब पड़े इस बात को भी बताने के लिए जा रही है। 20 रुपये को दे गए, नाम तो बताए कि ना गए। अरे तात को सोचूं न मात को सोचूं न, छुपायो है मत के राज गए को
गए को और अब राजा को सोचन काज को सोचन आर्य राजा को सोचन काज को सोचन काज को सोचन अब सोचो भाई ओए कोई नारी अरे को सोच भयो भाई नारे हरे को क्यों के जब रामचंद्र जी वनवास दे दिया था रानी के कहीं ने तो वनवास के लिए चले गए तो हां सीता का हरण हो गया था। सीता चुराई गई रावण चुरा के ले गया था बात उस समय की है और रावण इधर अरे अरे को सोच न जी को सोच न अरे हर को सोच न जी को सोच न जी को सोच न अब सोच भयो ए कोई बन्नो मारे को जीत को सोच अब सोच काहे को होगा के मेघनाथ ने और लक्ष्मण की शक्ति माते मेघनाथ ने लक्ष्मण की शक्ति माते तो भे हार और जीत की सबको सोच बोल भूल गए और भैया का सोच हो अरे पार पार किन पार पाए देखिए ऐसे अर्जुन को सोच हो गया और धर्मराज से कही कि भैया चिंता मत करो कल सूर्यास्त होने से पहले सूर्य अस्त होने से पहले और जयद्रथ का वध कर दूंगा अगर जयद्रथ का वध नहीं किया तो मुझसे अर्जुन मत कहना हाँ हाँ आज ऐसे ही अर्जुन ने कही और क्या कहने लगे अर्जुन धर्मराज से अरे भैया सुने लिए यार जहाँ
और जाए तो सो मन के करूंगा टुकड़ा। प्रणा जाए रही है कथा यगारो हे बाबा की रैया मेरी अब छाती तो संपन्न कुमार